हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फूड चैनल ज्योति का जायका। आज हम महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस डिश बनाने वाले हैं, जिसको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कैसे बनाया जाता है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, हरा धनिया, दही, हल्दी पाउडर, चावल का आटा, लहसुन, चीनी, क्रश की हुई मूंगफली, नमक, हरी मिर्च एंड ऑयल। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक छन्नी में एक कप बेसन, एक बड़ी चम्मच चावल का आटा डालेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। चावल का आटा डालने से ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। यहाँ पे हमने दोनों आटे को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसके अंदर एक कप पानी में से पहले आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको व्हिस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। अब हमें इसके अंदर एक बड़ी चम्मच दही एंड बचा हुआ आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए इस बैटर में कोई लम्स ना रह जाए। यहाँ पे हमने एक कप बेसन के साथ एक कप पानी लिया है, तो ये इसका मेजरमेंट है। अब यहाँ पे हमें एक कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल के गरम होते ही अब हम इसके अंदर 2 चम्मच मूंगफली ऐड करेंगे और उसको आधा मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पे हमने मूंगफली को पहले से ही हल्का सा रोस्ट करके इसके छिलके निकाल दिए थे। अब हमें इसके अंदर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और उसको 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे लहसुन डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हमें इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप बेसन के साथ हमने टोटल 2 कप पानी का यूज़ किया है, ये इसका मेजरमेंट है। अब हमें इसके अंदर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 बड़ी चम्मच चीनी डालेंगे और हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसके अंदर अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर बेसन का जो बैटर रेडी करके रखा था वो ऐड करेंगे। हमें इसको कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। इसको ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये 1 से 1.5 मिनट में ही अच्छे से ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको कॉन्स्टेंटली चलाते रहिए। तो आप देख सकते हैं अभी अच्छे से ठीक भी हो गया है और अब इसने पेन छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इस डिश में मेन कोथमीरी है, तो आप इसको अच्छे से डालिए। अब हम इसको बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड आधे मिनट तक और पकाएंगे। तो अब हमारी कोथमीरी वड़ी का बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हमें एक पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब हम वड़ी के बैटर को इसके अंदर अच्छे से ट्रांसफर करेंगे। इस बैटर को चारों ओर इवनली स्प्रेड करेंगे स्पेचुला की मदद से। अगर आपके पास ऐसा कोई टीन का मोल्ड नहीं है तो आप इसको थाली में भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से ठंडा होने देना है। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसको हाथों की मदद से सारी एजेस को पैन से अलग करेंगे। अब हम इसको पलट के वड़ी को इसमें से बाहर निकालेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट वड़ी बन के बाहर आई है। अब हमें कोथिंबीरी वड़ी को छोटे छोटे क्यूब में अच्छे से कट करना है। कोथिंबीरी वड़ी को अच्छे से फ्राई करके ही खाया जाता है, पर अगर आप इसे फ्राई करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही ग्रीन चटनी या मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। पर हमें इसको फ्राई करना है तो इसके लिए हमने पहले से ही ऑयल को गर्म कर लिया था और अब हम सारी वड़ी को इसके अंदर फ्राई करने के लिए डालेंगे। हमें इसको करछी की मदद से पलटते रहना है और इसको मीडियम आंच पे ही पकाना है। अभी धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। हमें वड़ी को तब तक फ्राई करना है जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी ना हो जाए। तो अब हमारी वड़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी हो चुकी है, तो अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे सारी वड़ी को अच्छे से फ्राई करके तैयार करना है। तो अब यहाँ पे बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी एंड अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट कोथिंबीरी वड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको स्नैक्स में मीठी चटनी या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी बनाइए और अपने अनुभव को मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।